अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू फ्रॉम द गार्डन। ये जो सामने आपको पौधे नज़र आ रहे हैं, ये मनी प्लांट हैं और इनकी आज हम कटिंग्स लगाएंगे। ये कटिंग्स ऑलरेडी जो हैं पानी के अंदर लगी हुई हैं। ये भी मैंने आपको डिटेल में बताया था, इसकी वीडियोस मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ मनी प्लांट की, कि आप इनको ट्रांसप्लांट कैसे कर सकते हैं, प्रोपोगेट कैसे कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप ऊपर राइट कॉर्नर पर क्लिक करके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। और हम मूव ऑन करेंगे, आज हम अपने मनी प्लांट की कटिंग्स को पानी के अंदर लगाएंगे, सॉइल के अंदर लगाएंगे। पानी के अंदर ये ऑलरेडी लगी हुई हैं और इनकी रूट्स आप देख सकते हैं काफ़ी वेल डेवलप्ड हैं। और ये फॉरएवर ग्रोइंग पौधा है पानी के अंदर भी और मिट्टी के अंदर भी, लेकिन पानी के अंदर ये अपनी इतनी ग्रोथ देता नहीं है। ये मिट्टी के अंदर आप लगाएं तो ये दरख्त के साथ साथ दरख्त जितनी हाइट भी देता है और जितनी इसको खुली जगह मिले उतने इसके पत्ते भी बड़े होते हैं और चौड़े होते हैं। खैर, हम इसको कम स्पेस के अंदर लगाया करते हैं अमूमन, तो कम स्पेस के अंदर लगाने की वजह से मनी प्लांट जो है वो बहुत ही कम ग्रोथ देता है हमें। तो इसकी कटिंग्स हम लगाएंगे किस तरह से वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं सिंगल सिंगल लीफ लगाऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा इसकी कटिंग्स को नहीं लगाऊंगा। जिस तरह से ये लीफ है और आप देख सकते हैं कि इसका ये वाला पोर्शन जो है ऊपर वाला, ये नोट थी इसको मैं काट देता हूँ, और इस पोर्शन से आप देख सकते हैं इसकी जो है यहाँ से रूट निकल रही थी, तो इतने पोर्शन को मैं मिट्टी के अंदर लगा दूँगा। ठीक है, इतने पोर्शन को फ़िलहाल मैं इसको पानी के अंदर डाल देता हूँ ताकि इसके अंदर डेफिशिएंसी ना हो। लगाया ये भी पोर्शन जा सकता है क्योंकि इसकी भी रूट्स डिवेलप हुई हैं, ये मे भी अपना लीफ ओपन करे, लेकिन खैर इसको मैं नहीं लगा रहा, इसको मैं फेंक देता हूँ। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास इसका दूसरा लीफ मौजूद है, एक इसकी रूट यहाँ है और ये इसका नोड पॉइंट है, यहाँ से भी इसकी रूट्स डेवलप होंगी। तो मैं इसको तकरीबन यहाँ से कट दे देता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और इस पीस को मैं लगा दूँगा मिट्टी के अंदर। इसके अंदर मेरे पास एक ये नई इसकी शूट ऑफ शूट निकली थी पानी के अंदर से ही, और इसके बिल्कुल नोड पॉइंट के नीचे से मैं इसको कट दे देता हूँ, इसको मैं रिमूव कर दूँगा और ये कटिंग मैं मिट्टी के अंदर लगा दूंगा। ठीक है, इन तीनों पॉट्स के अंदर मैं मिट्टी ले लेता हूं। इन तीनों पॉट्स के अंदर मैंने मिट्टी ले ली है और ये जो मिट्टी मैंने ली है इसका प्रोपोर्शन 1:1 है। एक पोर्शन इसमें मिट्टी है, बालू मिट्टी, और एक पोर्शन इसमें खाद है। मैंने 50% खाद और 50% मिट्टी लेके इन पॉट्स के अंदर डाल दी थी और उनको मैंने आपस में मिक्स कर दिया है। अब ये जो कटिंग्स हैं इनको मैं इनके रेलेवेंट पॉट्स के अंदर पानी के अंदर लगाऊँगा। मेरे पास ये सीज़र मौजूद थी तो इस सीज़र की मदद से मैं एक मोटा सा सुराख कर देता हूँ इसके बिल्कुल सेंटर में, और सुराख करने के बाद इसको मैं इस तरह से बंद कर दूंगा और झटकूंगा भी। झटकने से फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो एयर पॉकेट्स हैं इसके अंदर मौजूद वो एयर पॉकेट्स निकल जाएंगे। इसी तरह से जो मेरी दूसरी कटिंग है इसको मैं मिट्टी के अंदर लगा दूंगा और इस सुराख को मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, इसी तरह से जो मेरी तीसरी कटिंग है इसके लिए भी मैं सेम एक होल करूंगा इसी तरह का। इसकी आप रूट्स देख सकते हैं काफ़ी वेल डेवलप्ड हैं और इसको मैं मिट्टी के अंदर एज इट इज़ लगा दूंगा। इनकी रूट्स वेल डेवलप्ड हैं पहले ही, और क्योंकि ये एक वो प्रोपोर्शन है जिसके अंदर मैंने खाद भी ली है तो ये इसके अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। ठीक है, इनको इनके अंदर मैंने डाल दिया है, इनकी रेलेवेंट पॉट्स के अंदर मैंने डाल दिया है, और इसके अंदर मिट्टी थोड़ी कम थी तो मैं थोड़ी सी मिट्टी और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर डालने के बाद मैं इनको पानी दे दूँगा। क्योंकि ये एक सॉफ्ट मीडियम है और इस मीडियम के अंदर जितना एक्स्ट्रा पानी होगा वो इनके नीचे से इनके ड्रेनेज होल जो हैं वहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से, और आप मनी प्लांट को पानी के अंदर भी उतनी आसानी से लगा सकते हैं जितनी आसानी से ये मिट्टी के अंदर लगता है। तो आपसे मुलाकात होगी एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।